क्या आप जानते हो रोजाना गूगल पे कितने सर्चिस होते हैं, कितना इंटरनेट को पावर चाहिए चलने के लिए। और चीन में एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेट एडिक्टिव लोगों की मदद करती है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो कब अपलोड किया गया था? 23 अप्रैल 2005 में यूट्यूब का पहला वीडियो अपलोड किया गया था 8:27 पे, जो जावेद करीम द्वारा अपलोड किया गया था। यह यूट्यूब का पहला वीडियो था जिसका नाम था मी एट द जू। क्या आप जानते हो ट्विटर का पहला ट्वीट कब किया गया था और किसने किया था? 21 मार्च 2006 में ट्विटर का पहला ट्वीट किया गया था जो जैक ड्रोसी के द्वारा किया गया था। यह ट्विटर का फर्स्ट ट्वीट था। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि दुनिया की पहली वेबसाइट अभी भी जीवित अवस्था में है, जो अभी भी अच्छे से काम कर रही है? क्या आप जानते हो दुनिया का पहला वेबकैम कब और किसके द्वारा बनाया गया था? दुनिया का पहला वेबकैम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया था। लोग नहीं जानते वेबकैम क्या होता है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वेबकैम एक टाइप का कैमरा होता है जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी लाइव। क्या आप जानते हैं यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो कौन सा है? वो वीडियो है डेस्पासितो, जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है यूट्यूब पर। क्या आप जानते हो ब्रिटेन और इटली के कितने सारे लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे? अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन एडल्ट ब्रिटेन के और इटली की 1/3 आबादी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रही है। ये फैक्ट जरूर आपके होश उड़ा देगा कि इंटरनेट का 60% ट्रैफिक इंसानों द्वारा नहीं, बूट्स द्वारा आते हैं। बूट्स एक रोबोट होता है जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और कुछ एक अलग टाइप का भी बूट होता है जो हैकरों द्वारा बनाया जाता है, जो हैकिंग में काम आता है। आप अगर इंटरनेट चलाते हो तो आपने नेट सर्फिंग नाम का शब्द तो सुना ही होगा। यह शब्द 1992 में आया था, जिसे न्यूयॉर्क के एक लाइब्रेरियन जेन आर्मर पोली ने पहली बार कहा था। क्या आप जानते हो रोजाना कितनी वेबसाइट्स हैक हो रही है? रोजाना 30,000 वेबसाइट्स हैक हो रही है, पर 2 सेकंड में एक वेबसाइट हैक हो रही है। जब तक आपने ये फैक्ट सुना होगा तब तक एक वेबसाइट कहीं ना कहीं हैक हो चुकी होगी। क्या आप जानते हो रोजाना गूगल पे कितनी सर्चेस होती हैं? एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 3.2 बिलियन गूगल पे सर्चेस होती हैं। यदि एक दिन के लिए इंटरनेट रुक जाए तो ये पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। ये तो सिर्फ गूगल का आंकड़ा था, बाकी और भी कुछ सर्च इंजिन्स मौजूद है जिन पे सर्चिस होती हैं, लाइक डक डक गो एंड yahoo.com। ये सब उनकी लिस्ट आ रही है, आप देख लो कितना ट्रैफिक आता है उन पे। सो ये ट्रैफिक अगर रुक गया तो पूरे वर्ल्ड में कितना नुकसान होगा? क्या आप जानते हो 2005 में 2 Mbps/s की स्पीड मिलती थी, और आज देखो कितना प्रोग्रेस हो गया है। 100 Mbps के अप हम जा चुके हैं, शायद से 1 Gbps की भी स्पीड मिल रही है। और ये 1 Gbps की स्पीड देने का दावा जियो कर रहा है, जो अपने जियो गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी से देगा। और देखो आप ये स्केल हमारा कितना अप हो चुका है, खाली 13 to 14 years के अंदर ही हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है इंटरनेट के लेवल पे, स्पीड कहाँ से कहाँ जा चुकी है। और चाइना तो अब 6G टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कर चुका है। क्या आप जानते हो रोजाना कितने ईमेल सेंड किए जाते हैं पूरी दुनिया में? रोजाना 3.7 बिलियन ईमेल सेंड किए जाते हैं पूरी दुनिया में, और इनमें से 70% स्पैम ईमेल होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते या फिर हैकरों द्वारा फैलाए जाते हैं जो उनकी हैकिंग में हेल्प करते हैं। ज़रूर आपको हैरान कर देगा कि इंटरनेट एडिक्टिव लोगों के लिए ट्रीटमेंट कैंप है, क्योंकि वहाँ की सरकार यह मानती है कि उनके 200 मिलियन यूज़र जो है 15 से 35 साल के बीच के हैं, और उनमें लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वह ये कैंप चलाते हैं। अगर आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।
फैक्ट नंबर 14 और 15 से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले। क्या आप जानते हो इंटरनेट के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्चा होता है? 1.17 ट्रिलियन यूरोस। यूरोस 1.17 यूरोस इज इक्वल टू 1.3 डॉलर्स। सो अगर डॉलर्स में हिसाब लगाया जाए तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च होता है इंटरनेट के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे पर ईयर। क्या आप जानते हो इंटरनेट को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए? पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को चलाने के लिए 50 मिलियन हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये अब आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा है, 50 मिलियन यानी पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए।